क्या कहना चाहते हैं? कहना चाहते हैं कि ये मेरी जीत नहीं, हमारे कार्यकर्ताओं की जीत है और तमाम छात्र छात्राओं की जीत है। और कितने वोट से आपको मिली है, कितनी जीत, कितनी वोट से मिली है आपको? टोटल 66 वोट मिली है और 18 वोट से हम जीते हैं। आगे कैसा रहेगा आपकी रणनीति? छात्र में काम करेंगे, छात्र की जो समस्या होगी उसको लेकर सामना हम करेंगे। आपसे कोई मिला था आकर के इलेक्शन से पहले, ऐसा की बात किया ऐसा कोई? नहीं, हमसे कोई नहीं। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। क्या नाम हो आपका? ऋषभ कुमार चौधरी। कितने वोट से जीत मिली आपको? कुल वोट मेरा 80 है और 18। बोलो ना, बाल पे देखो, बाल पे देखो, बाल पे देखो। क्या कहना चाहते हैं, जो वोट आपको मिला है उनके लिए क्या कहना चाहते हैं? सबको धन्यवाद करना चाहते हैं कि जो हमें इस लायक समझे कि जो सो हम इस पद पे खड़े हो सकते हैं, उन सबको धन्यवाद करते हैं। और प्लस हमारे जो एबीपी के कार्यकर्ता है उन लोगों को धन्यवाद करते हैं क्योंकि उन्होंने हमें इस ये हक दिया कि हम इस काबिल हैं, उनको सबसे बड़ी धन्यवाद। उस सब आपको जो जीत मिली है कितने वोट से जीत मिली है उसके बारे में बताएं। मैं महासचिव पद पे 18 वोट से जीत दर्ज की है जी। और मैं ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के संपूर्ण छात्र छात्राओं को इसके लिए धन्यवाद देना चाहता हूँ। और मैं अपने विद्यार्थी परिषद संगठन को सर्वप्रथम मैं इसके लायक, मैं एक आम कार्यकर्ता और मुझे महासचिव पद के उम्मीदवार पर एबीवीपी से उम्मीदवारी दी गई, मैं बहुत बहुत धन्यवाद। सुबह सुबह घर से माँ मम्मी और पापा का आशीर्वाद मिला था, लिए थे आप? मैं माँ रमेश्वरी श्यामा का आशीर्वाद भी लिया था और मैं नित्यदिन यहाँ आता हूँ। वोटिंग शुरू होने से पहले और वोटिंग के बाद कैसा लग रहा था मन में? स्टार्टिंग से ही हम लोग बटन बनाए हुए थे, इससे पूर्व भी पूर्व छात्र संघ में हम लोग क्लीन स्वीप किए थे और पुनः इस बार क्लीन स्वीप किए हैं, 5 के 5 पैनल पे हम लोग जीत दर्ज किए हैं। सीनियर और जूनियर से क्या बात हुई इलेक्शन से पहले या इलेक्शन के बाद? सीनियर जूनियर पूर्व कार्यकर्ता सब सभी का साथ मिला और हम लोगों ने जीत। चलिए बहुत बहुत राजा कुमार, क्या कहना चाहते हैं आपको जीत मिली है उसके लिए? मैं सबसे पहले समस्त कार्यकर्ताओं को धन्यवाद देना चाहता हूं और जिन्होंने अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद समस्त कार्यकर्ताओं को धन्यवाद देना चाहता हूं जिन्होंने हमें इस लायक समझा। कैसा करेंगे माहौल आप? माहौल पहले से था और अच्छा परिवर्तन के रूप में हम लाएंगे। और किस तरह का माहौल था जब आप सबसे मिलते थे, कैसा लगता था जब आपको चुना गया था एबीपी में पद के लिए जब चुना गया? उस समय माहौल तो पहले से ही पता था कि सभी छात्र राष्ट्रवादी को चुनते हैं अपितु देशद्रोही को नहीं। चुनाव राष्ट्रवादी की आज जीत नहीं होती तो यहाँ पाकिस्तान जिंदाबाद होता। चुनाव होने से पहले किसी का माता की जय होगा, चुनाव होने से पहले किसी का फोन आया आपके पास? हाँ, बहुत से ऐसे आया जिन्होंने सेटलमेंट होने के लिए अपील कर प्रलोभन दिया जा रहा था। उनके लिए क्या कहना चाहते हैं? मैं उनसे यही कहूँगा, कार्यकर्ता वोट पर देने के लिए बिकता नहीं है, वह समझता है कि हम देश की रक्षा के लिए खड़ा हुए हैं। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। लिखे हैं उस पर है लिखे के अनुसार ही वोटिंग। चलिए जीत के लिए क्या कहना चाहते हैं? जीत के लिए पहले अपने टीम को, एबीपी की टीम को धन्यवाद करना चाहता हूँ जो हमको इस लायक समझे और आगे छात्राओं को धन्यवाद देना चाहता हूँ जो हमें सपोर्ट किए। सुबह सेंटर में जाने के बाद कैसा लग रहा था, मन में कैसा हो रहा था? मन में हलचल मची हुई थी कि क्या होगा, कितना वोट पड़ेगा, नहीं मिलेगा, लेकिन लास्ट में क्यों विश्वास नहीं था आपको? विश्वास था मन में, ऊपर नीचे हो रहा था, फिर बाद में सब सही हो। किसी को धन्यवाद देना चाहते हैं? किसी को खास धन्यवाद? और घर में किसी का मतलब आशीर्वाद सुबह सुबह ऐसा कुछ क्या बोले घर वाले? घर वाले मतलब इतना नहीं पता था लेकिन मम्मी पापा वो सबको बोल के आए थे कि जीत के आएंगे। कैसा मतलब यूनिवर्सिटी में कैसा माहौल करेंगे आप? यूनिवर्सिटी में छात्रहित में काम करेंगे और अर्थव्यवस्था को सुधार। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों को और जिंदाबाद।